हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंज जॉइंट के बारे में। हमें पता है हिंज जॉइंट किसका पार्ट है? साइनोवियल जॉइंट्स का। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा मूवेबल होते हैं। हम साइनोवियल जॉइंट्स में हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो में हम स्पेशली हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है साइनोवियल जॉइंट्स में ये सारे जॉइंट्स आते हैं: हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, एलिप्सॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट। हम ये सारे पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक वीडियो में, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंज जॉइंट। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ते हैं वो टॉपिक को नाम क्यों दिया गया है। हिंज का मतलब है कनेक्शन, अ कनेक्शन जिसकी वजह से मूवमेंट शो होती है। जैसे वॉल और गेट के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसकी वजह से गेट मूव कर पाता है, और उस कनेक्शन को कहते हैं हिंज जॉइंट। सेम आपके लैपटॉप में होता है, एक आपके पास स्क्रीन होती है, एक कीबोर्ड होता है। आपकी स्क्रीन इजीली मूव कर पाती है बिकॉज उसके बीच में एक हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। सेम वे में आपकी नी आपके लेग से कनेक्टेड है, और इस नी जो कि हिंज जॉइंट है, आपका लेग मूव कर पाते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप इस ये हिंज जॉइंट है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि ये सिर्फ एक प्लेन में ही मूव कर रहा है, दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट और वन प्लेन जॉइंट, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं मोनो एक्सियल जॉइंट। नाउ ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दो बोन्स के लिए, बहुत अच्छा जॉइंट है, क्योंकि इसमें एक बोन की शेप कॉन्वेक्स होती है और दूसरी बोन की कॉनकेव होती है, इसलिए ये परफेक्टली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से। अगर इसके एग्जांपल्स देखूँ तो इसके एग्जांपल होते हैं हमारी एल्बो, हमारी फिंगर्स एंड हमारे टोज। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारी है घुटने वाला पार्ट, द नी पार्ट, जो कि शो कर रहा है हमारी हिंज जॉइंट। हमने आज की वीडियो में पढ़ा है हिंज जॉइंट, जो किसका पार्ट है? साइनोवियल जॉइंट का। साइनोवियल जॉइंट जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पिवट जॉइंट के बारे में। थैंक यू। TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग।